में बहुत दर्द है, उसने ऊपर से शेक कर दिया है। सुबह सुबह धक्का लगाना पड़ेगा। फायरफ्लाई के साथ जाएंगे हम। अब निकल चुके हैं हम नैनीताल के लिए। अरे बाबा तेरी माँ की आग आए, काट लिया काट लिया। तो फाइनली नैनीताल सीरीज अब स्टार्ट होगी। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब, होपली सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मजे में। तो वेलकम है आपका फर्स्ट एपिसोड में। ये फर्स्ट एपिसोड होने वाला है हमारी नैनीताल सीरीज का। तो फाइनली नैनीताल सीरीज अब स्टार्ट होगी। पैकिंग हो चुकी है अपनी पूरी और ये खड़ी है अपनी फायरफ्लाई। एक बार चेक आउट करो भाई। और बाकी जाने वाले कौन कौन है वो है मैं और अंकु। अंकु अपनी गाड़ी पे, मैं अपनी गाड़ी पे हूँ और सबने मना कर दिया भाई लास्ट में। तो भाई हमारा तो ऐसे ही था, उसे मैंने क्लियर बोल रखा था, मैंने कहा कोई जाए नहीं जाए, लास्ट में तू और मैं चलेंगे। सबने मना कर दिया, एक सीन हो गया मेरे साथ। मेरे को ये वाले शूज पहनने थे बट ये वाले गिल्ले हो रखे हैं अभी, तो मेरे को वैसे ही शूज पहनने पड़े। और जो मेरे दो शूज है जो नए न्यू मंगाए थे वो वहीं के लिए, नैनीताल के लिए। मेरे कॉम्बो भी बहुत सेक्सी लग रहेगा, कमेंट करके बताना जब पहनूंगा मैं उसे। ये सीरीज बहुत भयंकर बनने वाली है, तो इसे प्यार देना यार, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाकी अभी धूप निकल रही है भाई, जैसे धूप थोड़ी निकलती है और फिर निकलते हैं। क्योंकि भाई अभी ठंडी हो रही है, ये देखो मैंने जैकेट पहन रखी है। मैंने कहा अभी निकलेंगे तो फिर मैं जैकेट में निकल लूंगा और थोड़ी देर बाद निकलेंगे फिर से चेंज कर लूंगा। क्या बोल रहे मैं? हाँ चाय बना दो, थोड़ा चाय पी के जाएंगे भाई। थोड़ा मेरा गला भी खस खस कर रहा है, मतलब खांसी हो रही है मेरे को हल्की हल्की ना। और ये भाई अपनी पैकिंग डन, बस मेरे को ये चार्जर रखना है क्योंकि मैं चार्ज कर रहा था आईफोन। बाकी माथा पे टेक लिया यार मैंने। और बाकी जय श्री राम। और बाकी इधर लिख लिया मैंने पर्चा। और ये किस लिए है मैं आप लोगों को रास्ते में बताऊंगा। जय बजरंग बली। क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ी खराब है, देख लोगे ना पापा को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बस आज ग्लूकोज चढ़ा देना, हो जाएंगे ठीक। चलो फिर पढ़ना उर्दू है हैं? ये पता नहीं है ना। ठीक है, अब तो वैसे भी धूप निकल गई, ठंडी नहीं लगने की। हाँ जी प्रधान जी, दीदी जा रहा मैं, ठीक है मम्मी पापा को ले जा लेना। तो बाकी यार अब आ चुका है टाइम निकलने का, बस फटाफट फायरफ्लाई निकालते बाहर और डायरेक्ट मिलता हूं मैं आपको मोटर व्लॉग पे। और चेक आउट करो अपनी ब्यूटी, ये खड़ी अपनी ब्यूटी। और भाई इस फायरफ्लाई के साथ जाएंगे हम। देख लो भाई जो किस्मत में होता होता ही है, पहले हमारा कार से बना, फिर हमारा ट्रेन से बना और फाइनली भाई अपनी फायरफ्लाई से जाएंगे। मेरा मन तो ये था कि बाइक से जाना है मेरे को, बट वो ये ठंड के रीज़न की वजह से एकदम से ठंड हो गई थी ना, तो उस वजह से मेरा मन नहीं कर रहा था। बट फाइनली जो किस्मत में था वो किस्मत में था और जिसको जाना था वो जाएगा, तो वही वाला सीन है। अभी थोड़ी देर बाद चलेंगे, बस अंकु आ ही रहा है। और अभी थोड़ी एक प्रॉब्लम होगी मेरे को, प्रॉब्लम ये होगी कि जो गोप्रो में बैटरी ना वो है 87%, तो इशू है मेरे साथ। कोई बात नहीं, दूसरी बैटरी वो लगा लूंगा। इतना मैं स्टोरी बना लेता हूँ इंस्टाग्राम के लिए, जिसने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले अपडेट आएगी हर एक व्लॉग की। चलो भाई अंकुर भी आ गया, अब फटाफट लगाते हैं इसको यहाँ पे और निकलते हैं भाई सीधा। क्या हाल है? सो फाइनली आज जिसका इंतजार था वो फल आ गया भाई, कितनी खुशी हो रही। कितना टाइम से बना रहा था मैं प्लान, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा और फाइनली जहाँ का इम्पॉसिबल था वहीं निकल रहे हैं। क्योंकि बोलते ना जहाँ किस्मत होती है मंजिल वहीं ली जाती है। और देखना आगे आगे ब्लॉग्स में कहाँ कहाँ जाएंगे उस जगह पे, क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं वो छोटी जगह नहीं है भाई, आप लोगों को पता ही है नैनीताल कितना बड़ा है, तो उसके अंदर कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को पता चलेगा। बाकी बस अभी तो ये निकलते हैं फटाफट, धूप भी निकल चुकी है, वो जैकेट उतारनी पड़ेगी आगे, अभी तो ठंडा हो रहा है मौसम। अब निकल चुके हैं नैनीताल के लिए और आप देख रहे हो ये एपिसोड 1 इस सीरीज का, अपना प्यार देना। और मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे बनाने की इस वाली सीरीज को, और होप सो आप लोगों को मजा भी आएगा। सबसे पहले काम जो रहता है सबसे पहले ट्रिप पे वही रहता है, सबसे पहले करवाना होता है फ्यूल अप। तो हम फ्यूल अप करवाएंगे अभी, आगे से टंकी फुल करवा देंगे। और आप लोगों को बता दूं नैनीताल है झीलों का शहर, तो भाई वहाँ पे आप लोगों को बताया ठंड भयंकर ही होगी भाई। मैंने बैग इस तरीके से ठूस रहेगा ना, मतलब सारा सामान रख लिया मैंने जिससे वहाँ ठंड ना लगे बिल्कुल भी। इतनी खुशी हो रही है रात से, मतलब घूमने के लिए तो मैं बेताब रहता हूँ बेताब। और बाकी उस फ्रेंड को जरूर शेयर करना जिसे घूमने का बहुत शौक है, और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना किस किस को बहुत, मतलब हद से ज्यादा होता है घूमने का शौक वो किस किस को है। मेरे को तो इतना है ना, मतलब क्या ही बोलूं, मुझे तो रात को भी कोई बोले ना और मेरे जेब में पैसे हो मैं तो उसी टाइम निकल जाऊं, मेरा ऐसा सीन है। पेट्रोल लिया और वैसे इतनी दूर तक लिया है क्या ही बोलूं। प्रेरणा अगर वो जगह थोड़ी देर में, अंकु ने बोला था आगे सबसे पेट्रोल डलवाएंगे, अब जो पेट्रोल पंप बोल रहा है वो बोल रहा है प्रेमनगर वाला, और मैंने कल 50 रुपए का पेट्रोल डलवाया था और उसकी वजह से भी यहाँ तक आ गई। अब थोड़ा से बचा है बस, पहुंचने वाला हूँ, बस उससे पहले खत्म ना हो वरना मुझे धक्का लगाना पड़ जाएगा सुबह सुबह। और बाकी लेके प्रभु का नाम जय श्री राम। बाकी बस भाई अच्छे से चली जाए अपनी की पूरी सीरीज और आपके भी चरणों में आ रहे हैं, तो गैस करना आप लोग तब तक कि हम कहाँ जाने वाले हैं। अपने बजरंग बली से रिलेटेड एक जगह तो बहुत ज्यादा फेमस जगह है वो। ओ चाचा हवा ले रही ऐसे ऐसे कर रही है बंद होने के लिए, कभी बंदी हो जाए सुबह सुबह धक्का लगाना पड़ेगा भाई, धंधों की दाद देनी पड़ेगी भाई। माइलेज क्या है यार यामा का भाई, 50 रुपए में मुझे यहाँ लिया प्रेमनगर, और इसी 50 रुपए में कल मैं हरपड़पुर भी गया था और वहां से आया भी था,
फिर उसका लोकल घूमा कितना, अब आएंगे सीधा प्रेम नगर जा रहे हैं। भाई क्या एवरेज है यार, मजा ही आ गया कसम से। अभी हल्की हल्की वैसे बनाने को हो रही है बट हो नहीं रही है। अरे वाह वाह, सीएनजी के लिए कितनी बड़ी लाइन लगी हुई सोच हुए। यहाँ से डलवा लेते पेट्रोल, फाइनली पहुंच गई है, वरना झटके ले रही थी भाई। इसने झटके स्टार्ट करे थे भाई बालाजी से लेने, और यहाँ तक आई गई बालाजी से ऐसे कर रही ठक 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 ठक। मैंने कहा भाई आज धक्का लगेगा सुबह सुबह। अरे एक बेइज्जती सी फील होती है और कुछ नहीं है यार। वैसे तो एक तरफ से टंकी खाली हो चुकी होगी, बट देखते हैं भाई कितने का पेट्रोल डलेगा, फुल कितने में होगी आज। बाकी देख लेना व्लॉग में सब दिखाता रहूंगा मैं, कितने का क्या आया कितने का क्या आया, अपना आप कैलकुलेट कर लेना क्योंकि मेरे याद नहीं रहने का बिल्कुल भी। लेट्स सी भाई कितने का आता है पेट्रोल। ये आया भाई 950 का। ये नहीं लेने के आप 4 रुपए बचे भेजो 950 का आगे। चलो भाई पहुंच चुके हैं प्रेमनगर, बस अब हम रुकेंगे जहाँ पे हमें नाश्ता करना है। नाश्ता करने की जगह वहाँ रुकेंगे 10 बजे के आसपास। टंकी फुल करवाई 950 का आया, और मैं हैरान हो गया भाई क्योंकि जब हम केदारनाथ में गए थे ऑलमोस्ट 1000 या 1100 का डलवाया था आई थिंक। तो भाई मेरे पैसे बच गए। पूरी सीरीज देख लेना, उसके बाद अपना बजट जोड़ लेना। अगर मेरे याद रहा तो मैं जो एपिसोड लास्ट होगा ना उसके लास्ट में बजट भी बता दूंगा, तो देखते रहना भाई अपने हिसाब से। भाई सुबह की वाइब भी प्यारी है भाई, मजा आ रहा है इस टाइम पे राइड करने में, और खुशी तो भाई नेक्स्ट ही लेवल मेरी। लो जी पहुंच गए घंटा घर। भाई भीड़ कितनी हो रही है, पहुंच चुके हैं हाईवे पे, और भाई यहाँ से डायरेक्ट बता रहा है सीधा सीधा। और जहाँ पे हमें सबसे पहले हमें नैनीताल नहीं जाना है, हमें जाना है कहीं और, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ जा रहे हैं, आप लोगों को पता भी चल जाएगा। और यहाँ से बता रहा भाई 260 किलोमीटर अराउंड। लो भाई आ चुका है टोल, अबे टोल कटवा ले, देख रहे हम कितने वीआईपी, हम टोल टोल नहीं कटवाते भाई। अंकुर सिंह हाँ जी, अबे तेरा नाम लिया उन्होंने छोड़ दिया भाई। अब भाई ये चेक करो भाई नदी क्या मस्त चल रही भाई, आज देखी मैंने पहली बार इधर नदी चलती हुई इस फ्लाईओवर के इधर। हर हर महादेव हर हर महादेव, यहाँ की वाइब भी अलग है यार। तो दूसरी बैटरी लगा चुका हूँ मैं क्योंकि वाली बैटरी हो चुकी है डाउन, वो ना ऑलरेडी पहले से ही 70% थी पता नहीं कैसे क्यों। बाकी अब तो गर्मी लगनी स्टार्ट होगी, मेरे चलते चलते ठंड लगेगी, आगे बहुत सारे पेड़ आएंगे ना, तो इस वजह से जैकेट में जाना पड़ेगा। हाँ तो मैं आप लोगों को बोल रहा था भाई इसका अंगूर को मानना पड़ेगा, कुछ भी बोलो भाई मैं तो हुई वेला, मैं तो मेरे तो काम भी एक तरफ से मान लो काम भी यही है, और घूमने का मुझे बहुत शौक है। इसे भाई को इतना शौक है, इतना शौक है ना, ये किसी सोशल मीडिया पे फोटोज अपलोड करता है ना वीडियोस अपलोड करता है भाई, फिर भी घूमने जाता है भाई। अभी देख लो अलग अलग बाइक पे, अगर हम चाहते एक बाइक पे आ जाते हैं कैसे ना कैसे जुगाड़ करके, मगर फिर भी अलग अलग बाइक पे क्योंकि मेरे को व्लॉग बनाना होता है तो मुझे मोटर व्लॉग चाहिए ही चाहिए, मुझे गाड़ी चलानी ही पड़ेगी। और इसका ऐसा सीन है ये पीछे बैठ नहीं सकता, इसकी पेट में कुछ प्रॉब्लम है। तेरी माँ की आग, आए काट लिया काट लिया। भाई ले भाई मेरे को तो मिल गया प्रसाद, मधुमक्खी ने काट लिया चेस्ट पे। अरे हे हट भाई, कुछ ना कुछ होता ही है, काट ये हुआ काट। सीधी भाई अंदर घुस गई जैकेट के, छोटी वाली मधुमक्खी थी वो तो अंकु ने भी टंक बाहर निकाल दिया भाई, वो तो अंदर ही घुसा जा रहा था उसका टंक भाई, साला चीज चीज हो रही छाती पे। बचपन में भाई बचपन में चीज चीज काट कर रखा था बताना जरूर, इनके जो छाते होते ना छाते पे पत्थर मार के भाग जाओ, मैंने बहुत करा है काट, और भाई चिपटी भी बहुत मुझे। हर हर महादेव हर हर महादेव। तो भाई पहुंच चुके हैं फाइनली हरिद्वार, और बाकी अभी मेरे को रुकना भी पड़ेगा यार, टाइम देख लू टाइम कितना हो गया, टाइम हो चुका है 9:56, फिर रुकना पड़ेगा 4 मिनट बाद क्योंकि व्लॉग अपलोड करना है। जो ये आप सामने देख रहे हो ना ये हर की पौड़ी, तो भाई यहाँ पे जरूर आना, अगर आप भी नहीं सकते आप तो मैंने यहाँ का व्लॉग बनाया तो जरूर देखना। लो बाकी यार फायर फ्लाई की आवाज चेक करना थोड़ी सी है, मैं थोड़ी सी वो करता हूँ। आहा आहा, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे। कोई भी ऐसा बंदा जो जिसने पाप नहीं कर रखे, पाप सबने कर रखे, तो एक बार गंगा में जरूर डुबकी लगाना। कितना पानी आ रहा बाप रे, बस से कार से वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाता जो हम बाइक्स पे करते हैं। और एडवेंचर टाइम मेरे को तो बहुत पसंद है यार, एडवेंचर करना बहुत ज्यादा पसंद है, बस थोड़ा मुनी प्रॉब्लम नहीं होना, मैं तो ऐसा ऐसा एडवेंचर करूँ ना मजा ही आ जाए, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वाला सीन हो जाए। जय माता दी, ये रास्ते हैं नए हमारे लिए। मेरे को इससे एक शायरी आ रही है, कुछ मैं लिख दूंगा कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा कुछ रास्ता लिख देगा, तू लिखता जा मुश्किल मैं मंजिल लिख दूंगा। ऐसी बात पे तालियां ले भैया, रास्ता लो भाई थोड़ा मेकअप कर लो। हेलो गाइस, क्या नजारा है भाई रोड का, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ और बीच में से रोड। तंदूर वाली लगा देना ठीक है, दो चाय बना देना, थोड़ी वैसी बना देना यार, अदरक चाय पी ना गले के, गले में थोड़ा वैसा हो रहा ना जीप सा ठीक है। सो बाकी यार अभी पहुंचे भाई, ये नाम क्या है, नाम मेरे को भी नहीं पता, ये लिखा नाम नहीं पता क्या है,
ये रुके भाई देवभूमि ढाबा पे, शुद्ध शाकाहारी, हम भी शाकाहारी हैं। अभी यहाँ पे नाश्ता वास्ता करेंगे, घर से कुछ खा के नहीं आए थे। और भाई ब्यूटी चेक करो अपनी, फायर फ्लाई ये खड़ी अपनी फायर फ्लाई। बाकी अभी बचा है 3-3.5 घंटे, 150 से ऊपर है, 150 किलोमीटर से ऊपर है। हाँ 200 के आसपास होगा मतलब, तो देखते हैं अभी। और बाकी एक मिक्स पराठा मंगाया, एक पनीर पराठा, और मैं प्राइस बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, मेरे को याद नहीं रहेगा। ये 90 और 70, और बाकी दो चाय मंगाएंगे, 20-20 रुपए की होगी आई थिंक। देखो यहाँ पे ली थी पप्पी, छेक तो नहीं, वो छेक के रहा, दंग तो निकाल दिया उसने, छेक कर दिया उसने, दिल में बहुत दर्द है, उसने ऊपर से छेक कर दिया है। आज भी आए भाई पराठे, ये मिक्स पराठा, वो पनीर पराठा, बाकी अमूल उमूल की है, टिक्की विक्की, मटर बटर, और इधर ये है अचार। लो भाई कुल्लड़ चाय भी आ गई, ले भाई चीयर्स कर। बाकी ये खाएंगे उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। 199 है पूरा, देख लो 199 की सेल चल रही है, वहीं जा रहे हम अपने घर से वहाँ तक। बाकी अभी यहाँ से निकलेंगे, और बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा। Oh, oh, oh.